गुड मॉर्निंग टू एवरी वन. माई सब्जेक्ट इज़ पैथोफिजियोलॉजी एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट फैटी लिवर. इससे पहले हमने एल्कोहलिज्म लिवर डिसीज डिस्कस की थी कि आपका एल्कोहल की कंजप्शन की वजह से कैसे कैसे आपकी लिवर डिसीज हो सकती है. ठीक है, तो वो मैंने वहाँ डिस्कस की थी, उसका पैथोफिजियोलॉजी सिम्टम्स इंट्रोडक्शन सब बता दिया था. देन एल्कोहल की वजह से और भी डिसीज आपकी लिवर की क्रिएट होती है. वो स्मॉल स्मॉल डिसीज यहाँ पर आपकी हैं, फैटी लिवर है आपका, लीवर फाइब्रोसिस है, सिरोसिस ऑफ लीवर है. तो ये आपकी सारी डिसीज किसकी वजह से होती है, इन सब का मेन पॉइंट क्या है, इन सब का मेन जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, वो आपका है ओवरडोज अल्कोहल कंजप्शन, जिसकी वजह से आपको ये डिसीज़ होती है. ठीक है, तो फैटी लीवर में क्या होता है कि आपका जैसे लीवर है, लीवर का जो स्ट्रक्चर नॉर्मल स्ट्रक्चर ठीक है, देन फिर क्या है, आपके लीवर के स्ट्रक्चर के आसपास एक फैट का, फैटी मॉलिक्यूल्स की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, एक्युमुलेट हो जाते हैं वो फैट मॉलिक्यूल्स वहाँ पे, जो कि एक बहुत हार्ड लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका लीवर का इनलार्जमेंट हो जाता है और जिसकी वजह से आपको वहाँ स्वेलिंग होने लगती है लीवर के आसपास वाले एरिया में, जिससे आपके मेटाबॉलिज्म होने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है. दिस इज़ कॉल्ड एज फैटी लिवर डिजीज. ओके, अब बात ये आती है कि वो फैट मॉलिक्यूल्स कहाँ से है. वो फैट मॉलिक्यूल्स आपके वो वाले नहीं है जो आप डाइट में लेते हो. डाइट में आप हर तरह का मतलब कंपोनेंट लेते हो, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स लेते हो, प्रोटीन सोर्स लेते हो, फैट सोर्स लेते हो, वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है. बट जो आपका लीवर के आसपास जो फैटी लीवर हो रहा है वो नॉट अ डाइट वाला फैट मॉलिक्यूल. ठीक है, वो आपका एल्कोहल का ओवरडोज कंजप्शन जो है वो एल्कोहल का कन्वर्जन है. ओवरडोज एल्कोहल आप ले रहे हो तो वो ओवरडोज एल्कोहल आपकी कन्वर्ट होते हैं फैट मॉलिक्यूल में, वो वाला फैट आपका डिपॉजिट होता है. तो तभी तो वो हार्ड, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है उसको रिमूव आउट करने में. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या है. फैटी चेंजेस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी एसिड इन द लीवर. मतलब फैटी चेंजेस और स्टेनोलिसिस क्या है कि आपका एक्यूमुलेशन हो जाता है फैटी मॉलिक्यूल का, फैटी एसिड्स का लीवर के सेल्स में. ओके, एल्कोहल कंजप्शन, एल्कोहल एल्कोहलिज्म कॉज डेवलपमेंट ऑफ लार्ज फैटी ग्लोबल्स थ्रू आउट द लीवर. अब क्या होगा, एल्कोहल की वजह से क्या होगा कि लार्ज फैटी ग्लोबल्स बनेंगे उस एल्कोहलिज्म में. ओवरडोज एल्कोहल की वजह से, ज़्यादा आप एल्कोहल ले रहे हो तो कोई भी चीज़ आप इन शॉर्ट क्वान्टिटी में ले रहे हो दैट इज बेनिफिशियल टू अवर हेल्थ. बट अगर वही आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो तो उसका साइड इफेक्ट तो कहीं ना कहीं आएगा. तो वही एल्कोहल क्या करेगा, आपका ज़्यादा एल्कोहल का लार्ज फैटी ग्लोबल्स बना देगा आपके लीवर के आसपास. देन फिर क्या होगा, एल्कोहल इज़ मेटाबोलाइज बाय एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनटू एसिटिल्डिहाइड. जो अभी इससे पहले मैंने पोर्शन पढ़ाया था एल्कोहल लिवर डिसीज का, उसमें मैंने एल्कोहल कैसे कैसे मेटाबोलाइज हो जाती है वो मैंने इसीलिए नहीं स्टार्टिंग में बता दिया था, क्योंकि वो आपको आपको मैं स्टेप बाय स्टेप याद रहे. तो इन शॉर्ट वही चीज़ है यहाँ पे. तो एल्कोहल आपकी मेटाबोलाइज हो जाएगी एसिटल्डिहाइड में, किसकी प्रेजेंस में, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, ADH. ठीक है, ALDH इनटू एसिटिक एसिड. देन फिर आपका क्या होगा, वो और कन्वर्जन होगा एसिटिक एसिड में. देन फाइनली ऑक्साइड इनटू CO2 एंड वाटर, फिर वो आपका CO2 और वाटर की फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाएगा. देन ए हायर NADH कंसंट्रेशन, NADH इज अ रिड्यूस फॉर्म ऑफ NAD, निकोटिनामाइड एडिडीन डाइन्यूक्लियोटाइड का रिड्यूस फॉर्म है. इट इज़ अ को फैक्टर वर्क करता है, हेल्पर मॉलिक्यूल की तरह वर्क करता है ये, जिसकी वजह से और भी आपके ये रिएक्शंस आपको कैटलाइज कराता है. ठीक है, इट इज़ अ को फैक्टर. ओके, ए हायर NADH कंसंट्रेशन इंड्यूस फैटी एसिड सिंथेसिस वाइल अ डिक्रीज NADH लेवल रिजल्ट इज डिक्रीज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन. तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन होगा तो ज़्यादा फैटी एसिड की सिंथेसिस होगा, और लो होगा तो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, देन फिर क्या होगा, इन सब की वजह से क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड्स एक्यूमुलेट रिजल्ट फैटी एसिड फैटी लिवर. फिर क्या होगा, आपके जो लीवर में, लीवर के सेल्स में, लीवर के आसपास ट्राइग्लिसराइड्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिससे आपका फैटी लिवर हो जाएगा. आपको क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड. जैसे कि आपका आपका पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी में जैसे आपका सारे सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, देन इंट्रोडक्शन के बाद उस पर्टिकुलर सिस्टम की डिसीज है, सेम ऐसे ही ये सारे आपका मतलब फैट है, फैट इट इज कॉल्ड लिपिड वाले पोर्शन में आ जाते हैं, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, ये सब अपने आप में फुल चैप्टर है जो आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे. तो ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, लिपिड का क्लासिफिकेशन है. ठीक है, लिपिड आपका खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसकी क्लासिफिकेशन में आपका ट्राइग्लिसराइड है. ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड लिपिड का फॉर्म में, लिपिड आपका फैट वाला पोर्शन में से आता है. ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी फैटी लिवर वाली प्रॉब्लम हो जाएगी. तो ये आपका इन शॉर्ट व्हाट इज फैटी लिवर वो बताया मैंने. अब सिम्टम्स हैं कि कुछ सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि और भी अदर जो आपकी लिवर डिसीज होती है एल्कोहल की वजह से वो कैसे आपको हो रही है, आपकी बॉडी में कैसे आपको पता चला. वीकनेस रहेगी, नोजिया, वोमिटिंग वाली कंडीशन रहेगी, एब्डोमल पेन रहेगा रेगुलर पैटर्न पे, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी,
भूख कम लगने की सोर्सेज है कि आपका लीवर मतलब आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो आप उसको ट्रीट कराइए तो फिर आपको पता चलेगा, बिकॉज वो प्रॉपर एंजाइम जूसे सीक्रेट नहीं हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको भूख कम लग रही है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जनरल। देन अब आते हैं थोड़े थोड़े, जैसे आपका फैट डिपॉजिट हो रहा है तो उसकी वजह से अर्लियर क्या लीवर में चेंजेस आते हैं वो वाले। तो मेलोरी हेलिन बॉडी, ठीक है, ये आपका एक टर्म है। इसमें क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका प्री केराटिन फिलामेंट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट आपके लीवर की सेल्स है, उनमें क्या होगा प्री केराटिन फिलामेंट्स, एक मतलब कोई केमिक मॉलिक्यूल है या प्री केराटिन फिलामेंट्स मतलब प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके डिपॉजिट होने लगते हैं हिपेटोसाइट में। तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेलोरी हाइलिन बॉडी। ओके,